एवरीवन, मैं हूं चिश्तिया और आप देख रहे हैं चिश ब्यूटी, जहां हम बात करते हैं फैशन, ब्यूटी और DIYs की। गाइस, आज की वीडियो में मैं फिर से आपके लिए वाव प्रोडक्ट का रिव्यू लेकर आई हूं। इससे पहले की वीडियो में आपने देख लिया है वाव का विटामिन सी सीरम, जो कि ऑसम सीरम है। आप लोगों को बाय करना है तो वीडियो जाकर देख लीजिए, उस पर मैंने रिव्यू कर दिया है। एंड आज जो मैं रिव्यू कर रही हूँ वो प्रोडक्ट है आपके सामने ये वाला, जी हाँ, एंड ये है एंटी एजिंग नाइट क्रीम। जी हाँ गाइज, ये नाइट क्रीम है, एंटी एजिंग क्रीम है। आपको पता है 30+ एज होते ही आप लोगों को एंटी एजिंग क्रीम लगाना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आज का हमारा खान पान ऐसा नहीं है कि हमारी स्किन है वो बहुत ही फ्लॉलेस रहे, बहुत ही स्मूथ रहे, ऐसा नहीं है। क्योंकि छोटी एज में ही आप देखेंगे तो स्किन पे काफ़ी लोगों के बहुत ही ज़्यादा पिगमेंटेशन आ जाती है, झुर्रियाँ आ जाती है, रिंकल्स आ जाती हैं, है ना, स्किन काफ़ी डल लगती है। तो हमेशा हमें एंटी एजिंग क्रीम फॉलो कर लेना चाहिए, लगाना चाहिए नाइट के टाइम, ताकि हमारी स्किन है वो एकदम स्मूथ रहे, बिल्कुल रिंकल नहीं आए, फाइन लाइन्स नहीं आए, ब्लेमिशेज नहीं हो, पिगमेंटेशन नहीं हो। इन सबसे बचने के लिए हमें अपनी स्किन की केयर करनी ही चाहिए। एंड नाइट में एक क्रीम लगाना चाहिए, जब भी आप सो रहे हो तो नाइट एंटी एजिंग क्रीम बेस्ट होता है, जो कि नाइट के लिए होता है। तो चलिए आज इसका मैं रिव्यू कर देती हूँ। यहाँ पर इस तरह की कार्ड मोड में हमें ये प्रोडक्ट रिसीव होता है, आप देखेंगे तो ये वाव ब्रांड से है। एंड यहाँ लिखा है वाव एंटी एजिंग नाइट क्रीम। इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं वो है एलो ज्यूस, शिया बटर, ऑलिव ऑयल एंड हाइलुरोनिक एसिड। ये बहुत ही अमेजिंग इसमें इंग्रेडिएंट यूज किए गए हैं, जो कि सभी मिक्स होकर आपकी स्किन को बहुत ही ज्यादा फ्लॉलेस बना देते हैं। एंड इसमें किसी तरह का कोई भी केमिकल नहीं है गाइस, जैसा कि नो पैराबिन, नो मिनरल ऑयल, नो PEG, नो PG, इस तरह के कोई केमिकल इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। अब जो ब्रांड है वो क्या दावा करती है, एक बार मैं आपको जल्दी जल्दी रीड करके बता देती हूँ। यहाँ पर क्लियर लिखा है कि लेट योर स्किन रिकवर इट्स यूथफुल ग्लो जेंटली एंड सॉफ्टली थ्रू द नाइट विद वाव स्किन साइंस एंटी एजिंग नाइट क्रीम। इट्स नेचुरली न्यूट्रिएंट इंटेंसिव एंड स्किन लविंग फॉर्मुलेशन कंटेंस प्योर एलो ज्यूस, शिया बटर, ऑलिव ऑयल, हाइलुरोनिक एसिड एंड विटामिन सी एंड ई टू गिव योर स्किन ऑल द हाइड्रेशन एंड न्यूट्रिशन इट नीड्स टू मिनिमाइज फाइन लाइन्स, ब्लेमिशेज, एज स्पॉट्स एंड लॉस ऑफ इलास्टिसिटी। ये सारी प्रॉब्लम्स को गाइज ये दूर करने वाला है। एंड रेगुलर यूज हेल्प्स फिल अप रिंकल्स एंड इम्प्रूव स्किन सपलनेस। आप इसे रेगुलर यूज करोगे तो आपकी स्किन से जो भी रिंकल्स वगैरह हैं, फाइन लाइन्स हैं, वो सब बाय बाय हो जाएंगी एंड स्किन आपकी बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस एंड सपल हो जाएगी, ठीक है। एंड इसके अलावा आपकी स्किन को बहुत ही रेडियंट बना देता है ये। एंड इसमें जो मेन पॉइंट्स दिए हैं वो भी आप सुन लीजिए। हेल्प किस किस चीज़ों में ये मोस्टली हेल्प करने वाला है, हेल्प्स फिल अप फाइन लाइन्स, हेल्प्स बूस्ट स्किन इलास्टिसिटी, हेल्प्स फैट, एज स्पॉट्स एंड ब्लेमिशेस, हेल्प्स योर यूथफुल ग्लो, फिट्स ऑल स्किन टाइप्स। यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है, आप लोग खुद भी पॉज करके सब कुछ पढ़ सकते हैं। तो आपकी स्किन को बहुत ही ज़्यादा फ्लॉलेस करने वाला है, बिकॉज मैं एक हफ्ते से इस प्रोडक्ट को यूज़ कर रही हूँ। आपको पता है मैंने तीनों प्रोडक्ट कंटिन्यू एक हफ्ते से मैं यूज़ कर रही हूँ एंड मुझे तीनों का रिजल्ट ऑसम लगा है, इसलिए आज आपके साथ रिव्यू कर रही हूँ मैं, ठीक है। एंड ये जो क्वांटिटी है इसकी 50 ml का प्रोडक्ट में क्वांटिटी मिल जाएगी आपको, ठीक है। एंड इसकी शेल्फ लाइफ की बात करें तो 20 से 22 शेल्फ लाइफ है, यानी कि 2 ईयर्स की आपको शेल्फ लाइफ मिल जाती है। एंड इसका जो प्राइस है MRP वो दे रखा है 699 rupees। यहाँ पर देखेंगे आप तो 699 इसका प्राइस है, जो कि काफ़ी रिजनेबल, मतलब सही है। 50 ml हमें प्रोडक्ट मिल रहा है एंड इतना अच्छा रिजल्ट है तो मतलब सही है इसका। लेकिन आप अगर जब परचेज करने जाएंगे ना इनकी साइट पे, तो आई थिंक इसमें आपको काफ़ी अच्छे ऑफर मिलेंगे, क्योंकि वाव में अभी बहुत अच्छे अच्छे ऑफर्स आ रहे हैं, तो हो सकता है आपको प्राइस काफ़ी कम रेट में मिल जाए। तो आप लोगों को लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहां जाकर चेकआउट कर लीजिएगा एंड वहां से ही डायरेक्ट बाय कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो चलिए, ये सारा ओवरऑल मैंने आपको बता दिया इसके बारे में। अब हम ओपन कर लेते हैं बॉक्स को और अंदर से देखते हैं कंटेनर कैसा है। तो यहाँ पर ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है एंड ये आपको इसका कैप है, जो कि मिरर जैसा नज़र आ रहा है। तो चलिए इसे ओपन करते हैं एंड इसमें क्यूट सा बहुत ही प्यारा जार दे रखा है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा कंटेनर है, वाव अमेजिंग। एंड यहाँ पर जो इसमें ये दे रखा है ना, ये कितना प्यारा लग रहा है, देखो बिल्कुल मिरर लग रहा है आपको। जब आप इसे लगाएंगे ना फेस पर, तो आपको मिरर लेकर बैठने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें से देखकर अपने फेस पर इजीली लगा सकते हैं। एंड मुझे बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ रही है, बिकॉज फैन वगैरह सब कुछ बंद है गाइस। तो चलिए, इस तरह के कंटेनर है, यहाँ पर सभी जगह सेम वही लिखा है जो मैंने आपको पढ़ के बताया है। अब हम इसे ओपन करेंगे, तो ओपन करेंगे बस इस तरह से,
एकदम टाइटली ओपन हो जाता है। अगर आप इसे बाहर ट्रैवलिंग कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, आप इसे शायद साथ में ले जा सकते हैं, आपका बिल्कुल भी ये कैप ओपन नहीं होगा या बिल्कुल भी प्रोडक्ट है वो बाहर नहीं निकलेगा। एंड क्योंकि इसमें इस तरह से ये दिया हुआ है, देखिए। एंड यहाँ पर आप देखेंगे तो एक छोटा सा हॉल दिया है, ये देखिए इस तरह से नज़र आया। अब हम इसे जब प्रोडक्ट को बाहर निकालना है तो ये जो है ना दोनों, इसको हाथ से हमें नीचे प्रेस करेंगे हम, तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बाहर आ जाएगा। ये देखिए, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ ये किस तरह से है एक बार। इसको आपको लेना है अपने हैंड पर, बस इतना इनफ है, क्योंकि हम एक बार जब प्रेस करेंगे ना तो जो प्रोडक्ट बाहर निकलेगा बस हम हमारे पूरे फेस पर और नेक पर इसे आप लोग लगा लीजिए, काफ़ी मतलब सही, इतना काफ़ी रहेगा। एंड इसको बस पूरे फेस पर अच्छे से मसाज करनी है एंड पूरे फेस के ऊपर एब्जॉर्ब कराना है, यानी स्किन के अंदर हमें इसको एब्जॉर्ब करना है। तो इसको हमें मसाज करके और इस तरह से स्किन के अंदर ये पूरा इजीली चला जाएगा। आपकी स्किन को बिल्कुल चिपचिपा, ऑयली कुछ भी फील नहीं कराएगा, आपको बिल्कुल पता ही नहीं चलेगा। एंड आपकी स्किन काफ़ी ग्लो करेगी इससे। आप कंटिन्यूसली गाइज यूज़ करो, एंटी एजिंग क्रीम बहुत ज़रूरी होता है हमारे फेस के लिए, है ना। तो इससे आपकी स्किन काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो ये रिव्यू मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी ताकि आपको हेल्प मिले। आप लोग सोच रहे हैं, काफ़ी लोग होंगे जो एंटी एजिंग क्रीम परचेज करने का सोच रहे हैं, तो आप लोग ज़रूर ये वाव का जो प्रोडक्ट है इसे बाय करके एक बार देखो, आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ऑसम रिजल्ट मिलेगा। एंड मेरे चैनल पे जितने भी रिव्यू होते हैं गाइज वो ऑनेस्ट रिव्यू होते हैं, तो आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग जाकर बाय कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। एंड इसी के सभी प्रोडक्ट के रिव्यू मेरे दूसरे चैनल पर भी आएंगे, आप लोग वहाँ जाकर अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं, बाकी सेम रिव्यू रहेगा क्योंकि वहाँ पर अलग सब्सक्राइबर हैं, यहाँ मेरे अलग सब्सक्राइबर हैं, है ना। तो मुझे इनका रिव्यू, क्योंकि वो मेरा चैनल रिव्यू का ही है, तो उसके ऊपर मुझे सभी प्रोडक्ट के रिव्यू करने पड़ते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप चाहें तो उस चैनल को जाकर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको प्रोडक्ट परचेज करने हैं और कोई रिव्यू आप देखना चाहते हैं तो, ठीक है। उस प्रोडक्ट, उस चैनल का नाम है चिश प्रोडक्ट्स रिव्यू एंड हॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मैंने रिव्यू कर दिया है, काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट लगा है मुझे। एंड एक सप्ताह हो गया मुझे कंटिन्यू यूज़ करते हुए एंड मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, और कंटिन्यू मैं इसे यूज़ करूँगी ताकि स्किन बिल्कुल भी, मेरी स्किन पर किसी तरह का कोई भी रिंकल वगैरह ना आए एंड स्किन बहुत ही ज़्यादा अच्छी हेल्दी रहे, ठीक है। एंड हेयर देख रहे हैं आप कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मैंने रात में ऑयलिंग की थी एंड मॉर्निंग में मैंने बस पे वॉश किया है, मैंने कंडीशनर भी नहीं किया। और आप लोगों ने मेरी हेयर की वो वीडियो नहीं देखी है, बहुत ज़्यादा ड्राई और फ्रेजी हेयर वाली वीडियो, तो उसको देख लो जाकर, बहुत अच्छा रिजल्ट है क्योंकि मैंने एक हफ्ते इसे किया, उसके बाद ही मैंने रिव्यू वीडियो आप लोगों के लिए बनाई है। तो आप लोग करो और आप लोग देखो, आपको भी बिल्कुल ऐसे ही हेयर मिलने वाले हैं, बिल्कुल ड्राई नहीं, बिल्कुल सिल्की शाइन स्मूथ। तो चलिए, ये वीडियो पसंद आई है, ये प्रोडक्ट पसंद आया है तो मुझे बताइए, एंड कौन कौन एंटी एजिंग क्रीम अभी भी यूज़ करता है वो भी कमेंट करना। आप लोग क्या नाइट में सोते हो जब एंटी एजिंग क्रीम लगाते हो या नहीं, मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। एंड इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा, बाय कर लीजिएगा इस प्रोडक्ट को। और इसके बाद में एक और वीडियो आने वाली है डे क्रीम की, उसको ज़रूर देख लेना। तो मैंने तीनों वीडियो कंटिन्यूसली डाली है ताकि आप लोगों को ढूंढने में दिक्कत नहीं हो, वन बाय वन तीनों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। इससे पहले विटामिन सी की मैंने डाल दी है सीरम की, अभी इसका आ जाएगा, एंड थर्ड आपको डे क्रीम मिल जाएगा वाव का, ठीक है। तो उसका तो तीनों देख लेना, आप लोग बाय कर लीजिए एक बार, बहुत ही अच्छा डिस्काउंट में आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अभी तक नहीं किया है तो, और सभी के साथ शेयर कर दो गाइज, प्लीज़ 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 शेयर कर दो सभी के साथ में, एंड लाइक करके जाना, प्लीज़ लाइक करके जाना, देर को इतना पसीना हो रहा है, इतने पसीने में मैं आपकी वीडियो बना रही हूँ, तो प्लीज़ लाइक कर देना। तो चलिए, मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, हेल्दी रहिए, बाय बाय।